मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे इज माय 10th लेक्चर। आज हम लोग जो है जीके में 10th लेसन हम लोग पढ़ेंगे, जिसका हेडिंग है एनिमल वर्ल्ड। एनिमल मीन्स होता है जानवर और वर्ल्ड मीन्स होता है दुनिया। सबकी दुनिया होती है, मनुष्यों की दुनिया, चिड़ियों की दुनिया, हर जानवरों की जो दुनिया। तो यहाँ पे आज हम लोग पढ़ेंगे कि जानवरों की दुनिया के बारे में, कि कौन कौन से प्रकार के जानवर होते हैं जिनको कि हम नहीं जानते हैं और उनके बारे में हमारा जानना जरूरी है। तो आज ये चैप्टर हम लोग इसी पर आधारित है, हम लोग इसी पर आज डिस्कस करेंगे और इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ के केवल उसका आंसर हम लोग यहाँ पर डिनोट कर देंगे। देखिए यहाँ पर सबसे पहले जो है इसमें डिस्क्रिप्शन में दिया है कि रीड द डिस्क्रिप्शन अबाउट एनिमल्स एंड कम्प्लीट देयर नेम, मतलब कि इस डिस्क्रिप्शन को आप पढ़िए उनके बारे में, किनके बारे में, तो जानवरों के बारे में, और उसको कंप्लीट कीजिए उनके नेम को कि कौन सा नाम यहाँ पर एप्रोप्रिएट होगा जिसका कि ये डिस्क्रिप्शन से मैच हो। तो हम लोग आज इसी के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर दिया हुआ है कि दिस सी बर्ड हैज द लार्जेस्ट विंग स्पैन। ये जो सी बर्ड है, सी बर्ड मीन्स ये समुद्र में रहने वाला जो है ये चिड़िया है, उसके आसपास ही रहता है, और ये इसका विंग स्पैन जो है, इसका पंख जो है, इसका जो है चौड़ाई जो है बहुत ज्यादा होता है। ये कौन सी चिड़िया है? इसका नाम है एल्बेट्रॉस। क्या नाम है? एल्बेट्रॉस। आपने कभी सुना भी नहीं होगा, क्योंकि ये चिड़िया हम लोगों के यहाँ नहीं पाई जाती है। ये चिड़िया हमारे एशियन कंट्री में नहीं पाई जाती है और ना हम लोग ज्यादा देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे है कि दिस कैमल है टू हम्प्स। अब देखिए, हम लोग तो जानते हैं कि ऊंट को जो है एक ही कुबड़ होता है, लेकिन यहाँ पर चूंकि बहुत आश्चर्यजनक लग रहा है कि दो हम्प, मतलब दो उसका जो है जो हम्प होता है जिसको क्या बोलते हैं, कुबड़, और वो कौन सा कैमल है उसके बारे में हम लोग को देखना है कि कौन सा कैमल है जिसको कि दो हम्प होते हैं। तो इसका नाम है बैक्टेरियन कैमल। क्या बोलते हैं? बैक्टेरियन कैमल। है ना थोड़ा सा अजीब सुनने में भी, बैक्टेरियन। बैक्टेरिया मतलब ऐसे तो हम लोग जानते हैं कीटाणु, ठीक है, लेकिन यहाँ पर बैक्टेरियन कैमल इसका नाम पड़ गया है, तो थोड़ा सा अजीबो गरीब है सुनने में और पढ़ने में भी लग रहा है। नंबर थ्री कह रहा है कि द मम्मल इज ऑल्सो नोन एज किलर व्हेल। अब इस मम्मल को जो है हम लोग किस नाम से जानते हैं? किलर व्हेल के, जो कि इसका मतलब व्हेल जो है उस मछली को किल करती है, इसका नाम है किलर व्हेल। और उसका नाम हम जानते हैं किस रूप में? ओर्का, ठीक है, ओर्का। नंबर फोर में है कि दिस वाइल्ड माउंटेन गोट हैज लार्ज एंड कर्व्ड हॉर्न्स। ये जो वाइल्ड माउंटेन गोट है, ये पहाड़ों पर रहने वाला जो है बकरा है, और इसका जो है लार्ज एंड कर्व्ड हॉर्न्स, इसका जो सिंग होता है वो बहुत लार्ज होता है, विशाल होता है, और प्लस कर्व भी होता है, मुड़ा भी होता है। और ये कौन सा बकरा है भाई? तो इसका नाम है फोर नंबर में एल्पिन इबेक्स, ठीक है। अब आइए नंबर फाइव, दिस बियर इज द ओनली बियर हु कैरीज यंग वंस ऑन इट्स बैक। यह जो भालू है यह क्या करता है? यह एकमात्र ऐसा भालू है जो कि अपने बच्चे को अपने पीठ पर लाद कर और ले जाता है। ये कौन है? तो इसका नाम है स्लॉथर बियर। क्या नाम है? स्लॉथ बियर। स्लॉथ बियर जो है वो अपने बच्चे को जो है कंधे पर, अपने बैग पर, पीठ पर लेकर और तब जाता है। देखिए यहाँ पर जैसा कि पिक्चर भी दे रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम आते हैं सिक्स नंबर। सिक्स में कह रहा है कि दिस इज द लार्जेस्ट कॉर्निवरस ममल फाउंड ऑन द आइसलैंड ऑफ मादागास्कर। अब बताइए कि इसका जो नाम है वो थोड़ा सा अजीब है, इसका नाम है फुस्सा। अब बताइए फुस्सा, फुस्सा जो नाम है थोड़ा यूनिक आप लोगों को भी लगता होगा कि ये एक लार्जेस्ट कॉर्निवोरस है, और जो है ये मम्मल है, मतलब ये स्तनधारी होता है, और ये कहाँ पाया जाता है? तो मादागास्कर में, आइसलैंड में। नंबर सेवन में है कि दिस स्मॉल स्पीसीज ऑफ डियर इज नोन फॉर द टफ्ट ऑफ डार्क हेयर ऑन देयर फोर हेड्स। अपने फोर हेड जो है उसके जो सामने के जो पोर्शन होते हैं उस पर जो उसके बाल पाए जाते हैं, और कौन सा
कौन सा डियर है तो इसका नाम यहाँ दिया जा रहा है नंबर 7 टॉफ्ड डियर। डियर तो हम लोग सुने होंगे लेकिन टॉफ्ड डियर, टॉफ मतलब होता है मुश्किल, तो इसका नाम है टॉफ्ड डियर। नंबर एट में है कि दिस मम्मल प्रोड्यूस वन ऑफ द फाइनेस्ट एंड मोस्ट लग्जरियस नेचुरल फाइबर्स। ये क्या करता है तो ये मम्मल जो है प्रोड्यूस वन ऑफ द फाइनेस्ट, सबसे अच्छी क्वालिटी का जो है वो लग्जरियस नेचुरल फाइबर जो है ये देता है। कौन है? इसका नाम है अल्पैका, अल्पैका। नंबर 9, दे आर अमेजिंग जम्पर्स। ये बहुत अद्भुत कूदने वाले होते हैं, जंप करने वाले। दे आर एबल टू लीप अप टू 30 फीट। ये 1 से लेकर 30 फीट तक जो है ये क्या करते हैं, दे आर एबल टू लीप मतलब वहां से वहां तक जो है ये जंप कर सकते हैं, लीप कर सकते हैं। इसका नाम है स्नो लियोपार्ड। यहां से यहां तक ये जंप कर सकते हैं, फुर्ती इतनी फुर्ती होती है इसमें कि 1 से लेकर और 30 फीट तक की लंबाई को वो कवर कर सकते हैं। दिस बर्ड इजली आइडेंटिफाइड बाय द लार्ज बिल। इसका नाम है ऑफिन, उफिन। नंबर 11, दे ग्रो टू द साइज ऑफ हाउस, दे ग्रो टू द साइज ऑफ ए हाउस कैट। ताओ दे हैव बिग बूसी टेल। इसका जो है बहुत बड़ा जो है झाड़ीदार पूंछ होता है, बूसी मीन्स होता है झाड़ीदार, वैसा एकदम पूरा घना पूंछ होगा। और ये जो है ये दे ग्रो टू द साइज ऑफ ए हाउस कैट, जैसे कि घर की बिल्ली जो होती है वैसे ही ग्रो करती है। इसका नाम है रेड पांडा। नंबर 12, दिस बर्ड इज ए स्पीसीज ऑफ पैरोट, स्पीसीज ऑफ पैरोट। इसका नाम है ओकाटू, ओकाटू। ये जो है इसका नाम क्या रखा गया है, कोकाटू। तो ये सभी चिड़िया हमारे यहाँ नहीं पाई जाती हैं, ये लगभग जो है अफ्रीकन कंट्री में, यूरोपियन कंट्रीज में पाई जाती हैं। हमारे भारत में बहुत कम देखने को मिलेंगी, जो भी है सभी यूरोपियन कंट्रीज की सभी बर्ड्स एंड एनिमल्स हैं। तो आप लोगों को थोड़ा अटपटा लग रहा होगा लेकिन चूंकि आपका चैप्टर है तो आपको पढ़ना ही होगा। ठीक है बच्चों, आज का जो सब्जेक्ट हमारा यहीं पर ओवर होता है। हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे, नेक्स्ट चैप्टर जो है मेडिकली। मेडिकली मीन्स होता है कि, मेडिकल मीन्स क्या होता है, दवा। तो मेडिकली मीन्स दवा, दवा के दुकान पर कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स जो है वो आपको यूज किए जाते हैं डॉक्टर के द्वारा, उनका हम लोग जो है इक्विपमेंट्स कौन कौन से वहां पे होते हैं उसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू बच्चों, स्टे होम स्टे सेफ।